इधर ही फू कर दिए मैंने आपको। आमना चेयर पे बैठ जो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं जी मलाइका का बर्थडे। मलाइका का वैसे जो बर्थडे था वो 7 जुलाई को था। मलाइका माशाल्लाह से 18 साल की हो गई है। हुआ क्या था कि जिस दिन मलाइका का बर्थडे था उस टाइम पे हम इस्लामाबाद थे, और मलाइका का जो गिफ्ट था वो मैंने यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ था और वो बैंक के लॉकर में पड़ा था। मैंने मलाइका को गिफ्ट नहीं दिया और हमने कोई सही तरह से केक नहीं काटा। तो मैंने कहा मलाइका को ये ना हो कि लास्ट ईयर मैंने इतना अच्छा बर्थडे किया था और इस दफ़ा नहीं किया। तो मैंने कहा चले आज हम छोटी सी सेलिब्रेशन जो है वो रख लेते हैं घर में। अच्छा, इसे मैंने सिर्फ ये कहा है कि किसी बच्चे की कोई चीज़ आई है, और ये देखें आंखों के ऊपर ऐसे हाथ रख के ये बैठ गया हमसे। इतना भी ड्रामा नहीं है। ओ कोई चीज नहीं आई, हम तंग कर रहे थे। नहीं नहीं स्लाइम आई है हमजा की। तो वाओ हमजा, स्लाइम आई है। हमजा, अच्छा मुझे हमजा ना कितने दिनों से कह रहा था कि मुझे ना स्लाइम ला दे। चलो आप स्टडी कर लो फिर खेलते हैं इसके साथ। और ये जो आवाम है ना, ये दोनों वेले तरीन बनते हैं। और ये कोई मूवी देखी जा रही है। कौन सी मूवी है? ये मूवी नहीं है, सीजन है। सीजन है कोई। अरुषा उठ के तैयार हो जाओ, तुम्हें इस हुलिये में ना उन्हें तुम्हें रोटी शोटी कोई नहीं देनी। ये डोरेमोन है। और हमजा तुम्हें शाम के 6 बज गए और तुम अभी तक बैठे हुए हो, नाइट ड्रेस तुमने पहना हुआ है। ये एक ऐसा फर्स्ट सूट है जो हमजा ने अपनी मर्जी का अपना ड्रेस लेके आया था, मतलब टी शर्ट। ये उस दिन गया, इसने कहा कि मैंने यही ड्रेस लेना है। और ये मामा की आदत है, मामा हर 2 दिन बाद जब तेल जरूर लगवाती हैं। और साथ साथ मसाज हो रहा है मेरे, मेरे से चाय नहीं पी जा रही। जी पहले मैं चाय रख देती हूँ, तेल देना। अच्छा ये ऑयल का मैं आपको बता देती हूँ। अरुषा आप ना मेरे कहीं से भी बाल दिखा दो कि अंदर से अल्लाह का शुक्र है कि ग्रे नहीं है। हाँ जी ये देखिए, यहाँ से मम्मा के कहीं से भी बाल ग्रे नहीं है। दिखा दो, यहाँ से भी दिखा दो। मैं बस नज़र आ गई। ठीक है। अच्छा नहीं, ताकि ये हो ना कि सबको ये यकीन हो जाए। अच्छा मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ चिल्टन प्योर का ब्लैक सीड कलवंजी ऑयल। ठीक है, एक तो ये आपके बालों को हमेशा ब्लैक रखता है। जिनके बाल टाइम से पहले जो है ग्रे हो रहे हैं वो ये शुरू कर दें, और अगर आप जिनके नहीं भी ग्रे, जिनकी ऐसी एज है, आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोगों के बाल ग्रे नहीं होते। और जिनके हो गए हैं उसको भी फुल स्टॉप लगाता है और आपके बालों को ग्रे होने से बचाता है। उसके बाद सिल्की और शाइनी बनाता है। और सबसे बढ़ के अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं तो ये वाला ऑयल जो है वो बहुत बेस्ट है। इसे आप अपने फेस पर भी अप्लाई कर सकते हो और इसे अपने बालों में भी। अच्छा फेस का मैं बता दूँ कि ये एक्ने को भी कंट्रोल करता है, और साथ में अगर आपके एजिंग साइन आना शुरू हो गया ना तो रिंकल्स वगैरह को ख़त्म करता है। मैं इसका लिंक लगा दूँगी, ठीक है, लेकिन अभी मैं पहले मसाज कराऊँगी। और मैंने आपके साथ शेयर करना था, चिल्टन प्योर ने लॉन्च किए हैं फेस वॉशेस। ठीक है, मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, विटामिन सी। एक तो आपकी स्किन को यंग रखता है और स्किन को ब्राइट भी रखता है। ऑल स्किन टाइप्स के लिए है ये, यकीन करें महीने से यहाँ पे पड़ा हुआ है, ना ये ख़त्म हुआ है और ना ही इसका स्टिकर जो है ना वो चेंज हुआ है। अब पीछे इन्होंने खाप बेली डाली हुई है। और ये है जो चिल्टन प्योर का मैन फेस वॉश। ठीक है, ये आपकी स्किन को फ्रेश भी करता है, डीप क्लीन करता है, और साथ सबसे बढ़ के ऑयल को भी कंट्रोल करता है। इसमें पंप पैकिंग में है और हमारे घर में एक ही मैन है जिसे कोई असर नहीं होता कि मैं आ जाऊँ। अब ये देखें, अब ये नीचे पकाऊँ। और कई जो जेंट्स होते हैं उनकी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, बहुत ज़्यादा उनकी स्किन जो होती है वो हार्ड सी होती है, बाइक चलाते हैं, पोल्यूशन से, डस्ट से उनकी स्किन जो होती है वो काफ़ी रफ भी हो जाती है। तो ये स्पेशल जो मेन फेस वॉश है ये जेंट्स के लिए है। ठीक है, आप लोग ये ऑर्डर कर लें, इनका मैं लिंक जो है वो लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन में। हमजा इतना बड़ा हो गया फेस वॉश करने वाला। हाँ, फेस इसका वॉश हो ही ना जाए वो भी अम्मा ने कराना। ये जी मेनू है हमारा, मेनू तैयार होके मिलता हूँ। तुम पहले फेस वॉश तो उतार लो फिर तुम तैयार होना। मैं भी तैयार हो गई हूँ, मामा भी तकरीबन होंगे और हमजा भी हो गया, लेकिन मामा अभी तक आप ही नहीं आए। कहा से खाएंगे आज तो आपने कुछ बनाया भी नहीं है। आज हमने खाने में भी नहीं बनाया। अच्छा मैं जब सारी तैयार होगी ना तो मैंने कहा कि मेरी ना आंखें चुनी चुनी क्यों लग रही है, चुनी चुनी। तो मुझे याद आया कि मैंने माशाल्लाह से मस्कारा ही नहीं लगाया। अब मैं ये मस्कारा लगाने के लिए आई हूँ। मामा जी आपने बालों के साथ क्या किया? बालों के साथ मैंने सिंपल वही ऑयलिंग की थी, उसके बाद शैम्पू कंडीशनर यूज किया था, और उसके बाद आज मैंने स्ट्रेट भी नहीं किया। मैंने कहा कि बिल्कुल सिंपल से ना इसी तरह ही रखते हैं, क्योंकि स्ट्रेट करने से भी क्या होता है कि बाल जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। जी तैयार हो गए हैं, मलाइका भी फाइनली आ गई है, उसने कहा कि चले हम चलते हैं, वो भी अब तैयार हो रही है। तो रुषा हम इस तरह करते थे, देर में हम केक की तैयारी कर लेते हैं। केक लिया? सुभान अल्लाह, केक ही नहीं लिया आप लोगों ने। पता कहता है सकाफत से ले आते हैं। मैंने चिकन केक बिल्कुल जहन से निकल गया था बेटा, वो तो पहले बुक करवाना होता है ना, आपने मुझे याद करवाना था ना। लड़ने से बेहतर है पापा को पैसे दे आए। तुम पापा से कहो कि भाई ले आए जाके केक ले आए, स्काफ़ से चॉकलेट केक ही ले आए। और आज मलाइका जी आपको दिखाते हैं, मलाइका भी तैयार हो गई है।
हम दोनों ने ब्रांड्स की ट्विनिंग की है और नाराज बैठी है बच्ची, आ जाता है केक। चॉकलेट केक नहीं खाना, चिकन केक खाना था। हर शायद चिकन और केक तो भी चिकन। ठीक है, हमने ना मलाइका को नहीं बताया और यहाँ पर हमने, मैं अपने मोबाइल से ये क्लिप। इतने फू कर दिए तुमने, पापा ने तो बहुत ही अच्छी सेटिंग कर दी। और ये अपनी मलाइका का गिफ्ट है पूरी फैमिली की तरफ से। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा लग रहा है। केक बाद में कटेगा, पहले शरीफ मान। पापा ये ना फाड़े, जाना ने बड़ी सफाई। यार ये नहीं फाड़ना, ये बिल्कुल नहीं फाड़ना। आप सोचे भी ना कि ये किसी ने फाड़ना, ये सिर्फ दिखाने के लिए साइड पर रखते हैं। अच्छा मलाइका, तुमने पूरा साल ना हमसे कोई गिफ्ट नहीं मांगा क्योंकि ये पूरी फैमिली की तरफ से। अच्छा, और ये इस तरह लग रहा है जैसे ना मेहंदी का थाल नहीं होता। सही बात है, ये वैसे कैंडल्स बहुत सेफ है। ये मुझे एक पीआर ही आया था लेकिन ये कैंडल्स मुझे अच्छी लगी है ना, एक तो खत्म भी नहीं होगी और बिल्कुल आग शाग और उसका डर नहीं होता। चलो इसको दोबारा जलाते हैं ना, फिर जरा को केक काटते हुए अच्छा लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, किसी और ने नहीं गाना गाना। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मलाइका। ये देखिए हमारी सारी फैमिली। थैंक यू बाबा, ये ब्रेसलेट जो खरीद सकता, ये मैंने खुद ही पसंद किया था जी। माशाल्लाह बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। और ये आज आएगा नहीं आता, मुझे नहीं आता, मैं हेल्प करवाती हूँ, मम्मा इसलिए करवाती है कि तुम मुंह लगा के। अच्छा, और लास्ट टाइम मैंने लिया था पेंडेंट और इसको मैं कर गया, मैंने ना गोल्ड का ब्रेसलेट ले लिया जिस तरह लॉक कर लो साइड से। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, लाइका ने खुद ही बहुत पसंद की। ये लॉक नहीं हो रहा लाइका, हमारी बात तो बताएं, इस सब का फायदा क्या होता है? वैसे भी हमने रखते ही लॉकर में होते हैं। सही बात है, कोई भी फंक्शन आए ईद पे हर चीज आपकी लॉकर में बड़ी होती है। कोई ईद में हम निकलवाएंगे, ये बैंक ही बंद था जिस वजह से निकलवा नहीं सके। चलो कोई बात नहीं, सेफ ही तो करना होता है ना, इसलिए फिर लॉकर में रखना जरूरी होता है। चले मायका। हाँ जी मामा से चले। मैंने सिर्फ अम्मी को कहा कि हमारे साथ चले, जरा कुछ फ्रेश हो जाएंगे, गपशप लगाएंगे वहाँ पे। और हम कुछ अच्छा फील नहीं कर रही थी ना कुछ दिनों से, इसलिए भी हमने कह दिया उनको। हाँ तो चलते हैं अम्मी के साथ अभी बाहर, और साथ में और कभी किसी को भी हमने इनवाइट किया बर्थडे को, मैं तो नहीं करती, मुझे अच्छा इतना नहीं लगता। पर ये होता है कि आप फैमिली केक काटते हैं फिर आप खाना खाने बाहर चले जाएं। आज मलाइका वो देखो वो ब्रेसलेट की स्ट्रीक बना रही है। अस्तग़फ़िरुल्लाह। वालेकुम नानो, ठीक-ठाक क्या हाल है? ठीक-ठाक बच्चे, क्या हो रहा था? हमजा को ना उधर ही खाना भेजते हैं। सही बात है, बेस्ट है, खाना मिलेगा आप उधर ही बैठ के। मुझे लग रहा है थोड़ा सा बड़ा हो गया उस चेयर के लिए। ये नानो ने मुझे दिए हैं बर्थडे के लिए, थैंक यू नानो। ऐसे जरूरत नहीं थी, आपने भी इतनी ईदी दी थी। नहीं बच्चे, ईदी दी है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि बर्थडे का कोई सीन है। बेटा जीरो लेनी है? नहीं नहीं, जीरो कोक है, पाँच कोई ले, पाँच जीरो। मामा इतना कुछ खा लिया और फिर कोक हम डाइट पी रहे हैं। जी जी, थैंक यू सो मच नानो, आप आई, थैंक यू, टाइम दिया एंजॉय किया अम्मी नानो, ध्यान माइंड फ्रेश हो गया। अम्मी को हमने कार ड्रॉप कर दिया है, अभी हमने कहा है कि हम नास्ता बजी के पास जाते हैं, उनसे जाके चाय का कप पीते हैं मुफ्त में, घर नहीं जाना, खाना शाना खा लिया। मैंने कहा इस टाइम ना हर कोई फ्री होता है तकरीबन, हर कोई रिलैक्स होता है, अभी हम घर जाएंगे आराम से जाके उनके साथ गपशप लगाएंगे, चाय पियेंगे उनके साथ, क्योंकि और तो कुछ खाने की हिम्मत नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ मुकद्दस को क्या पसंद है ज्यादातर, बच्चों को भी पसंद पता होना, फिर वो स्काफ़त से ले लें। ठीक है, उसके लिए कुछ ना कुछ फिर मीठे में पैक करवा लेती हूँ। सर गोदे में रश गए हुए हैं, ये मिस्टर डिंग के लिए।
ये सारे निकल आए, सारे हमारी तरह ना मटन बीफ खा खा के थके हुए थे। जैसे आज लाइका रुचे गई, मैंने कहा अच्छा कोई चीज मटन में मंगवानी है, नहीं तो हम जरूर मंगवाते हैं। कहते नहीं नहीं मम्मा घर में बहुत खाए हैं, आज उसे कुछ चिकन में मंगवाते हैं। ये जी मुकद्दस के लिए और आमना के लिए उनकी पसंद की सारी चीजें जो है मैंने पैक करवा ली हैं, कुछ आप उधर से नजर नहीं आने वाला। ये आमना की बिल्ली है, आमना से तो मुझे आमना की याद है। मुझे याद है पहले एक आमना ने बिल्ली पकड़ी हुई थी, उसकी जान से छोड़ दी। हां वो नहीं है, पुराने की जान छोड़। हम जा, मुझे दे दो आमना, मुझे दे दो। हेलो, छोड़े से छोड़े से छोड़े से आमना, ये मुझे दे दो आमना। ये बिल्ली मैं ले जाऊं? हां ले ले बा, इसका ये बैंड मुझे दे दो। मैंने मांग के काय को मुझे चाय, सादी चाय। तुम्हें हुआ क्या, तुम चुप क्यों कर गई हो? बल्कि रोटी खाने में चढ़ गई, भूख लग गई। मैंने आपसे कहा था ना आते हुए मम्मा खाला को स्पेशली पिज्जा का मना कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन था खाने पिज्जा ऑर्डर करना है। हमने अम्मा के लिए मंगवाया कंट्रोल, मैंने कहा आप हो गए उस दिन की तरह, मैंने भी खाने को पेन की सही मंगवाते हैं, किसी को नहीं पता होगा ये खा रहे हैं। जय मैं क्या इतने गौर से देख रहे हो, आपकी डोरा कौन सा चिल्टन गर्ग ऑयल यूज करती है? ये मेरा ख्याल है वही ऑयल यूज करती है जो मैंने प्रमोट किया ना, ब्लैक सीड ऑयल है ना खाला, बाल आपकी काले। आप डोरा भी यही ऑयल यूज करती है? डोरा की तरह से आपको रिकमेंडेड है। लगता है खाला को इम्तियाज बहुत पसंद है, खाला के सारे बर्तन इम्तियाज स्टोर वाले। हाँ जी आमना चेयर पे बैठ जाओ, आमना चेयर पे बैठ जाओ, मैं लेती हूँ दूसरी शिफ्ट लग रही है अब चाय की। अब मुकद्दस बना रही है मेरी मामा के लिए और खाला के लिए चाय, आपके हाथ की चाय लगता है सबको बहुत ही पसंद है मुकद्दस। अरुषा यहाँ पे टिकटॉक ढूंढ रही है कि हमने आप मुकद्दस को यही दिखानी है क्योंकि वो आदि से ज्यादा टिकटॉक से रिलेट करती है। हम बेटा हम भी करते हैं ये भी है। देखा ये वाला ऐसे भी करते हैं, वो देखिए उसको कमल, इन दोनों को क्या हो गया। बेटा बस कर दो, लाफिस करना फैमिलीज का लाफिस है, सही बात है। अल्लाह के चौक में आए नहीं रहते का लाफिस हो गई, यहां पे ही होंडा से खड़ी हो गया। वाह भाई वाह, अभी आए हैं जी घर वापस, तकरीबन एक का टाइम हो गया। बस मैंने ड्रेस चेंज किया, लेंसेज फिर उतारना भूल गई हूँ, फिर उठना पड़ा, फिर लेंस लाने पड़े। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छी बर्थडे गुजर गई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मलाइका को गिफ्ट उसका मिल गया, लेकिन मैं भी अपने हस्बैंड से यही लड़ रही थी कि आपने मुझे ईदी तक नहीं दी और कोई चीज़ नहीं दी। वो कह रहे थे कि चले कोई बात नहीं है, सुबह जाएंगे जाके आप अपनी पसंद से जो भी ईदी लेनी है वो ले लीजिएगा। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।